फ्रेंड्स, केलेंचो का पौधा काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। आज मैं अपने छोटे छोटे प्लांटर में जितने भी कटिंग के द्वारा पौधे लगा रखे हैं, अपने टेरेस गार्डन के कुछ पौधे आपको दिखा रही हूँ। ये सारे पौधे मेरे छोटे छोटे प्लांटर में लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होने लगी है। यहाँ पे ये रोज़ है जो कि कटिंग के द्वारा तैयार हुआ है। एक बार पौधा खरीद करके लाते हैं और कटिंग के द्वारा जगह जगह लगा करके बहुत सारे पौधे बना लेते हैं। ये कोलियस है, कोलियस भी कई जगह कटिंग के द्वारा तैयार किए हैं फ्रेंड्स। तो देखने में इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी होती हैं। यहाँ ये हिबिस्कस का है पौधा जो कि ये भी कटिंग के द्वारा तैयार हुआ। इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी इसमें फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं। तो पूजा के लिए डेली ही मेरे यहाँ हिबिस्कस के फूल निकल आते हैं और यहीं पर मैंने येलो कलर का हिबिस्कस लगा रखा है, उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसमें काफ़ी सुंदर फ्लावर हो रहे हैं और इन्हें फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है और वाटर भी ज़रूरी है इन्हें, तो अच्छे से वाटरिंग करना पड़ता है गर्मियों में। यह है इरेंथीमम का पौधा जो कि इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं, इसमें फ्लावर भी होते हैं फ्रेंड्स। तो धूप में रखने से इसमें फ्लावर अच्छे हो जाते हैं। तो देख रहे हैं कि ऊपर बंच में बने हुए हैं इसके फ्लावर। और ये देखिए, ये रोज़ है जो कि ये भी कटिंग के द्वारा लगाया है। इस साइड में मेरे टेरेस गार्डन में धूप सुबह सुबह आ जाती है, तो मैं इस साइड की भी आपको वीडियो दिखा रही हूँ। इसमें हिबिस्कस के फ्लावर भी काफ़ी सारे हुए हैं, तो कटिंग के द्वारा सारे तैयार हैं। ये बोगनवेलिया है फ्रेंड्स, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, इसमें पत्तियाँ इस टाइम कम होती हैं और फ्लावर काफ़ी होते हैं। और ये मेरा कॉर्नर छोटे छोटे प्लांटर से भरा हुआ है फ्रेंड्स।